इस समय हम खड़े हैं जामिया यूनिवर्सिटी में, जहां आगाज हुआ है मिराज का। और आप देख सकते हैं यहां पर मिराज के लिए बच्चे जो हैं काफ़ी उत्सुक हैं। और ये बताया जाता है कि मिराज एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ जामिया यूनिवर्सिटी में ही मनाया जाता है। ये झलकियां हैं दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में हो रहे मिराज फेस्टिवल की। जामिया में मिराज का आगाज 2013 में हुआ था, जब से हर साल यहाँ मिराज फेस्टिवल मनाया जाता है। मिराज फेस्टिवल में खास तौर पर कल्चर एक्टिविटी, उर्दू और मुशायरे जैसे प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाता है। मिराज जो है वो एक इंटर यूनिवर्सिटी कल्चरल फेस्टिवल की तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट टाइम इसको 2013 में किया था और 2014 में सेकंड, और अब ये थर्ड इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल है। इससे पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक कल्चरल कमेटी के नाम से एक कमेटी है विच फंक्शंस अंडर द एजेस ऑफ द डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर। जामिया कल्चरल कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल कल्चरल एक्टिविटीज़। वी हैव सेवरल क्लब्स हियर, द ड्रामा क्लब, डिबेट क्लब, लिटरेरी क्लब, म्यूजिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लब। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज बाई दीज क्लब्स। एंड सो इट्स नॉट एज इफ यू नो वी जस्ट सडनली स्टार्टेड हैविंग एन इंटर यूनिवर्सिटी। आर स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी बींग ग्रूम्ड to represent the university in various forums, in various co-curricular competitions. And debate happens to be one of our front runners, because in 2012 we started with a national inter university trilingual debate. Jamia has the distinction of doing the debate in three languages, so we have the debate in Urdu, Hindi and English. Therefore our debaters have, you know, they have a slight advantage of being much in competition compared to other clubs. And as part of Miraz 2015, the fourth trilingual national debate will happen tomorrow, and it's very well subscribed. Right now I've had students from my university who just won the All India Sir Sayed debate competition in Hindi and in Urdu, and we've got the running trophy from them. जामिया में चल रहे मिराज फेस्टिवल में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपने गाने के हुनर से दर्शकों का दिल जीता। मिराज एक कल्चरल और इंटर फैकल्टी इंटर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है। इसमें बेतबाजी और मतलब जो भी इंडिया का पुराना ट्रेडिशन है उस तरीके के प्रोग्राम होते हैं जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से आपको नहीं मिलेंगे। जो जामिया में होता है वो मेरे ख्याल से बेतबाजी या दास्तान गोई या आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, खाली जामिया में मिलेगा। और मैं इसमें हॉस्पिटैलिटी का एक वॉलंटियर हूँ, तो पिछले साल भी काम किया था, दो साल हो गए तो थोड़ा मज़ा आता है काम करने में भी। मैं फर्स्ट ईयर है मेरा मिराज के साथ काम करने में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेस्ट, हमारा एनुअल फेस्ट होता है, नेशनल लेवल का फेस्ट है इंटर यूनिवर्सिटी। जो भी जैसे पहले साहिल ने बोला कि जो कल्चरल जो प्रोग्राम्स है जो मोस्टली सारे कॉलेजेस में नहीं होते, काफ़ी वेस्टर्न टाइप के होते हैं, डांस वगैरह होंगे, वो हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे यहाँ जो सारे कल्चरल है, शायरा मुशायरा वो सब होता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छे लोग आते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती है। लास्ट टाइम 24 यूनिवर्सिटीज़ आई थी, इस बार भी देखते हैं इंशाल्लाह कुछ अच्छा हो जाएगा। मिराज जनरली यहाँ पर जो होता है वो एक एनुअल फेस्ट है जो जामिया का है, और ये तीसरा साल है, ये 2013 में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर इसके जो इसमें बहुत सारे क्लब हैं, डिबेटिंग क्लब हैं, कल्चरल कमेटी क्लब है, ये सारे क्लब मिलके इसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसमें कॉलेज पूरा यू नो जैसे ऐसे लगता है ईद है और वैसे पूरा कॉलेज इसमें मिलके काम करता है, सब वॉलंटियर करते हैं, इसे सब मिलके इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इसमें बाहर से, इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। और हम मेरा ये फर्स्ट ईयर है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मुझे लग रहा है मैंने ये दो साल क्यों मिस कर दिया, मैंने दो साल पहले क्यों नहीं लिया, मुझे पहले लेना चाहिए था। बट ये मेरा सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में मैंने पहली बार लिया, ये मुझे बहुत बहुत ही ऑसम है, ये बहुत अच्छा लग रहा है।
14 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस मिराज में पार्टिसिपेट करती हैं। और आपको बता दें कि कल्चरल प्रोग्राम में मिराज को सबसे ज्यादा हाई रेटिंग मिली है, क्योंकि मिराज में न सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं बल्कि मुशायरी और बैतबाजी जैसे प्रोग्रामों को भी तवज्जो दी जाती है। ऐसे में मिराज जिस तरह से जामिया यूनिवर्सिटी करा रहा है, स्टूडेंट्स में तो उनका क्रेज देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को बढ़ावा भी मिल रहा है और उर्दू की तरफ भी मिराज के लिए तवज्जो दी जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।